जो है नए प्रयोग और नए जो इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं उसमें सबसे पहले एक कॉल सेंटर का लॉन्च किया है, जिसमें हमने अभी प्रारंभ में 4 सीटों का एक कॉल सेंटर स्थापित किया है। उसके लिए 4 लाइनों के नंबर हैं, जिस पर के कोई भी ग्रेटर नोएडा का निवासी अपनी किसी भी प्रकार की शिकायतों का उस पर शिकायत दर्ज करा सकता है। उस शिकायत का अथॉरिटी द्वारा त्वरित तौर पर निस्तारण किया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी सुविधा, हमने एक मोबाइल ऐप जो रिवाइंड मोबाइल ऐप हमारी है उसको आज हमने पुणे से लॉन्च किया है। इसको ग्रेटर नोएडा के मित्रा के नाम से, मित्र ऐप के नाम से लॉन्च किया गया है। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं पब्लिक के लिए, जहां आम जनता के लिए उपलब्ध है। सबसे पहले जो हमारे आवंटी हैं वो अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और अपने आवंटी का जो आवंटन नंबर है उसके माध्यम से कई प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बिजली का बिल, पानी का बिल, उस तरह की सुविधाएं भी, पानी का बिल या अपने उन्हें जो अथॉरिटी के बताए हैं उनको भी उसके माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर जो कब तक जो है खुला रहेगा? हेल्पलाइन नंबर जो है 24 घंटे के लिए आज से प्रारंभ हो गया है और 24 घंटे यदि ये उपलब्ध है, फिर भी हम देखेंगे कौन से पीक टाइम है और कौन से टाइम पब्लिक हम शिकायत करते हैं, तो उस हिसाब से समय समय पर सीटों का नंबर जो है कम ज्यादा किया जा सकता है। सर इसमें कुछ टाइम सर, एक सवाल सर, सर जैसे अगर शिकायत करते हैं एप्लीकेशन पे तो संबंधित अधिकारी को किस तरह से ट्रांसफर होगी, कि किसी और को भी सीसी होगी उसकी या संबंधित अधिकारी तक ही पहुंचेगी? सर दो तरीके, एक तो मोबाइल ऐप की जहां तक बात करते हैं कि मोबाइल ऐप में जैसे ही कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज करेगा, जैसे सड़क पे कोई गड्ढा है या कहीं पर कूड़ा पड़ा हुआ है जो नहीं उठाया गया, तो उसको अपने मोबाइल ऐप में अपना नंबर देते हुए उसकी फोटो खींचनी है, उसका GPS अपने आप GPS लोकेशन अपने आप कैप्चर होके हमारे पास आ जाएगा, फोटो खींचनी है, उसका थोड़ा सा डिटेल लिखना है। तो जैसे ही वो सबमिट बटन दबाएगा वो शिकायत इंटरनल हमारे सिस्टम के माध्यम से शिकायत की कैटेगरी के आधार पर जो संबंधित अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है उसको उसके इनबॉक्स में दिखने लगेगी कि ये शिकायत इतने बजे इतने मिनट पर ये शिकायत उसके दर्ज हुई है और उसको इसका निस्तारण करना है। समय अवधि भी रखी गई सर कुछ? हाँ, हर शिकायत के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट के तहत जो हमारा नॉर्मल समय निर्धारित है उसी में उसको इसका निस्तारित करना होगा। परंतु इसको भी शिकायतों का कैटेगराइजेशन जो है ना, अर्जेंट कैटेगरी की शिकायतें, जैसे किसी का पानी का लीकेज शुरू हो गया है या कोई इस तरह की समस्या है अर्जेंट और उसमें किया गया है, ताकि कई शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से करना है। कईयों में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का समय होता है, तो उसके बाद वो व्यक्ति उसका निस्तारण करेगा और उसी ऐप के माध्यम से उस व्यक्ति को शिकायतकर्ता को भी सूचित करेगा और शिकायतकर्ता से हम फीडबैक भी चाहेंगे कि जो कार्य किया गया है उसकी गुणवत्ता से वो कितना संतुष्ट है, 1 से 5 के बीच में कितने मार्क्स वो अथॉरिटी को या उस शिकायत के निस्तारण देता है, जिसमें हम एक तरह से इस फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से हम इस बात की मॉनिटरिंग समीक्षा कर पाएंगे कि हमारे अधिकारी द्वारा जो काम किया जा रहा है वो गुणवत्तापूर्वक है और जो शिकायतकर्ता है उससे कितना संतुष्ट है। इसके बेसिस पे डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग की जाएगी, अधिकारियों की रैंकिंग की जाएगी, अधिकारियों के कार्यों की गुणवत्ता, उनकी स्पीड के बारे में भी जो है, जिसको बाद में हमारे अधिकारी HOD हमारे एडिशनल CEO और हम स्वयं रिव्यू करेंगे। इसकी एक खासियत जो है कि जो अधिकारियों के लिए, जैसे CEO के लिए, एडिशनल CEO के लिए, इसमें डैशबोर्ड है। जब मैं एक CEO के तौर पर लॉग इन करता हूँ तो उसमें अपने आप मुझे शिकायतों का कैटेगराइजेशन, कब से लंबित है, मैं किसी भी तरीके से उसको देख सकता हूँ और ढूंढ सकता हूँ कि सबसे पुरानी शिकायत कौन सी है, किस अधिकारी पास शिकायतें ज्यादा लंबित है, वो डैशबोर्ड में अपने आप संकलित होकर दिखाई देगी। आप लोग जो सार्वजनिक समस्याएं हैं इसी प्रकार से सड़क वगैरह की, उसमें रिक्वेस्ट है कि अभी हम व्यक्तिगत समस्याओं का निस्तारण के लिए अभी पूरी तरह से उसमें इक्विप्ड नहीं है, केवल जो सार्वजनिक जो पब्लिक की सिटीजन सर्विस होती है उस तरह की शिकायतों के निस्तारण के लिए हमने वो सिस्टम बनाया है। उस व्हाट्सएप का एडवांटेज ये है कि लोग उसमें भी वीडियो खींचकर या फोटो खींचकर भेज सकते हैं, ताकि उसका तुरंत उसका एनालिसिस किया जा सके, उस पर भेजें, उसके माध्यम से भी शिकायतों का निस्तारण कराएं। सर एप्लीकेशन पे जो शिकायत होगी तो उसका GPRS से लिंक होगा या कैसे होगा सर, पता क्या चलेगा? जो मोबाइल ऐप है उसका GPRS जो है वो हमारी ऐप कैप्चर करेगी, उस व्यक्ति को तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने जब सड़क पर गड्ढा बताया या गार्बेज बताया तो उसकी लोकेशन हमें चाहिए होती है, तो इनबिल्ट सिस्टम है कि जैसे ही आप मोबाइल से फोटो खींच के सबमिट बटन दबाएंगे आपका उस टाइम का लोकेशन जो है वो हमारे पास पहुंच जाए। सर आप ये कह सकते हैं 3 फैसिलिटी हैं, व्हाट्सएप और कॉल सेंटर और फिर ऐप हो गया मोबाइल ऐप, तीन शिकायतें जो है, हाँ, तीन प्लेटफॉर्म सर्विस तकरीबन सेम है, यद्यपि मोबाइल ऐप के थ्रू आप जो है इंडिविजुअल सर्विस भी ले सकते हैं, एज ए अवंटी जो आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का निस्तारण है वो भी किया जाएगा। कॉल सेंटर के माध्यम से भी अभी शुरू में कुछ हद तक, पर धीरे धीरे हम उसको भी कॉल सेंटर को भी
व्यक्तिगत समस्याओं की तरफ निस्तारण में बढ़ाएंगे। इजी टू अप्रोच ग्रेट नोएडा के लिए हो गया आवंटी और प्राधिकरण। बेसिकली ये है कि ग्रेटर नोएडा के निवासी खुश रहे, हैप्पी ग्रेटर नोएडा रहे, लोगों के निवासियों की जो खुशी में बढ़ावा हो, तो उनकी समस्याओं का निराकरण हो, उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो, संतोषजनक निराकरण हो, उसकी तरफ ये एक प्रयास है।